हले हले। और ये एक भक्त ऐसा नहीं है कि भक्त को ही भगवान की जरूरत होती है, भगवान को भी भक्त की जरूरत होती है। तो एक भक्त हर 11 को खाटू शाम जाया करता। कुछ दिनों से वो नहीं जा रहा और भगवान चिंता में आ गए कि मेरा भक्त आ क्यों नहीं रहा। किस बात के द्वारा भगत उससे क्या कहने लगा? कित पड़ गया सो गया रे, भगत कित पड़ गया सो गया रे भाई क्यों ना खाटू आया। भगत कित पड़ गया सो गया रे भाई क्यों ना खाटू आया। भगत कित पड़ गया सो गया रे भाई क्यों ना खाटू आया। हर कारण ने आया करता प्रेम ने हस बतलाया करता। हर महीने ते आया करता प्रेम से हस बतलाया करता। हर महीने ते आया करता प्रेम ते हस बतलाया करता। मेरे ओ भगत मेरे मन में हम हो गया रे भाई क्यों ना खाटू आया। भगत मेरे मन में हम हो गया रे भाई क्यों ना खाटू आया। मैं सारा तो प्यारे भाई जो ना खाटू आ।
गीत बन के सो गया रे भाई तू ना घाटो आया के 2100 रुपए से पहले और 500 रुपए से फिर से रवि शेखावत की काली पहाड़ी से पकड़ ठेकेदार महोदय 2100 प्लस 500 2600 रुपए से मान सम्मान करते हैं जी, बार बार धन्यवाद। और 100 रुपए से फिर से और 2500 रुपए से पहले 2600 रुपए से मान सम्मान करते हैं कुलदीप जी ठेकेदार महोदय, और 100 रुपए से फिर से मान सम्मान करते हैं साधु भाई। आइए जी, क्या बताया देखो, टेक्नोलॉजी का जमाना है। तनु बोलिया ना तो तेरा कोई मैसेज आया ना तेरा कोई फोन आया, क्यों कर बता ला क्या ना आया कोई संदेशा तेरा ना आया कोई
वो अंधेरा अंधा याद करे और जाकर कहते उस अंधे के अंधे को मैं सभा में जाने लायक ना मेरी तूई चक्कर बाद करे मैं जाने लायक ना मेरी तूई चक्कर बाद करे वो मत चाहो वो तो मत चाहो मेरे संग में अंधे का ये भाजा निकले आपकी बेइज्जती आपकी हया जिस दिन आपने मेरे बड़े भाई अपने जेठ को अंधे का बेटा अंधा कहा था मैंने कोई गलत नहीं कहा था मैंने सही कहा था जब कोई इंसान दिन में ही मुंह में गिरेगा तो उसे अंधा कहा जाएगा यहाँ पे समय बर्बाद मत कर देवर दरबारों में जा और अपने भाई की आंखों का टेस्ट करवा चश्मे चढ़वा उसके अरे चिंता मत कर मेरे भाई ने तेरे जेठ की नई आंखें बनवा ली मेरी बात सुन तू सीधा सीधे तरीके से चल मुझे मजबूर मत कर तेरे साथ में बदतमीजी करने के लिए अच्छा हाँ जी सुनिए मेरी शर्म नहीं सीला कर ले मुह जल जाता खाया करते कर्म नहीं सीला कर ले मुह जल जाता खाया करते कर्म नहीं गिन पत्ता दे मेरा द्रौपदी गिर गिन पत्ता दे मेरा द्रौपदी यो हिलते हो तर नरम नहीं बहु बेटी ने बुरी तो हर जगह गुरु दोषी पाए जाते हैं हमारा दोष हमारा खोट सिर्फ इतना है कि आपकी पांचों पंडियों ने आपको दांव पे लगा
आई नहीं। मेरे जितनी और किसे में देवर मिले समाई नहीं। मेरे जितनी और किसे में देवर मिले समाई नहीं। तेरे जैसी महारे कुल में तेरे जैसी महारे कुल में कोई बदका तो लुकाई नहीं। ये कहने की निकालने की जरूरत नहीं है। जोश बचा कर तेरे को कौरव सभा में जाना है। अभी तूने कौरवों का जोश नहीं देखा है, सिर्फ और सिर्फ पांडवों का जोश देखा है द्रौपदी। तो पांडवों के अंदर जोश है तभी तो देखा है, कौरवों के अंदर जोश है नहीं तो देखूंगी कहां से। और ऐसा है ये हमारा खोट नहीं है, तेरे जैसी पत्नी जोश के साथ ऐसे ही होना चाहिए। अरे कुछ नहीं कर सकती आप, अरे जो पहले के करे धरे। मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। क्या कर सकती? जो मैं कहती हूँ मैं वो करती हूँ, और जो मैं नहीं कहता वो मैं बिल्कुल करता हूँ। सुनिए मेरी बात, लेने के लिए आया हूँ मतलब पहले के बीच जो पहले का बोर था इसमें वो अभी तक काटा नहीं है, नए नए बीज बोरी। अंधे का बेटा अंधा कहा था उसका भुगतना तुम्हें भुगतना नहीं। अंधे का बेटा अंधा ही रहेगा। हाँ जी, और अभी अभी महलों में आए हुए मेहमान को आप बहुत इज्जत कर रहे हो, कई इज्जत कर रहे हो। अच्छा मेहमान इज्जत करवाने वाला हो तभी तो इज्जत करूँ। अच्छा जी सुनिए मेरी बात, मेरा रूप दूसरा लगी दिखावा, रूप दूसरा लगी दिखावा, पहला बोया काटिया ना साफ
मुझे तो ऐसा लगता है कि तेरे माँ बाप ने तुझे थोड़ी भी द्रौपदी जी द्रौपदी जी दोनों एक जैसे हो मोटा ना वो है ना आप दोनों ठीक हो बस अच्छा अरे दुशासन यार दुशासन की टक्कर कहाँ से लेगी तो मैं भी द्रौपदी हूँ अरे चिंता मत कर तेरा सारा जोश निकालेंगे तुझे इतनी तमीज नहीं की है तो औरत से कैसे पेश आते अरे वही तरीका सिखाएंगे हम तरीका हम भी सीखेंगे और तरीका आपको भी सिखाएंगे तूने मेरी गर्दन पे हाथ डाला लेकिन अगर मैंने तेरी गर्दन पे हाथ डाल दिया ना तो तुझे मार के ही दम लूंगी अरे मेरी गर्दन में हाथ डालने के लिए द्रौपदी आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा ये हाथ ही काट दिए जाएंगे तेरे बच्चा सुनिए मेरी बात रूप दूसरा लगी दिखावन रूप दूसरा लगी दिखावन तन पहला वो यह काट क्या साफ के घर में मोटे देवर पत्र भी दिल डाल क्या हना ईश्वर की माया का देवर वेद किसे ने पाटा हना ईश्वर की माया का देवर वेद किसे ने पाटा हना पहले मकरा था वो तो भरे हाँ पहले मकरा हुआ तू भरे हरे पहले मकरा हुआ तू भरे मतना नहीं गुरुमान सिंह के भजनों की नजर नहीं रघुना खरा दे कलाकार है नहीं तो योगेश जी बिल्कुल बेकार है कठिन है एक बार अपने आप के लिए जोरदार तालियां चाहता हूँ आपसे क्या बात है जी आइए एक पहला भजन एक भगत कहता है इस कलयुग को देखते हुए भोले बाबा से भोले बाबा का भजन देखा जाएगा आप लोगों के बीच में कि हे भोलेनाथ हे श्री शंकर भगवान ये क्या हो रहा है तेरी नगरी में अब तो काफी सुधार हो चुका है ये भजन मैंने 3 साल पहले गाया था सुपरटोन कंपनी के लिए और अच्छा निकला था ये भजन क्योंकि इसका इस भजन के जो एक एक शब्द है वो इस कलियुग को देखते हुए इसके राइटर भी बहुत अच्छे पवन गिल जी कि हे भोलेनाथ ये हो क्या रहा है तेरी नगरी में क्या क्या दुख बताता है वो भोले बाबा से क्या बताएगा तेरे देश का हाल बुरा हो जा जनता सारी
देश के नेता देश देश में ठाटी भरी तिजोरी से भगत सिंह पूती जने जो मेरे भगत सिंह पूती जने जो पेट जो सिम है तारी में तेरे देश का हाल बुरा हो जर जनता सारी में तेरे देश का हाल बुरा हो जर जनता सारी में ओ डमरुआ ये सारा का सारा मेरा याराना है, एक मेरा परिवार है, बहुत ही अच्छे अच्छे लोग, समझदार लोग, बहुत ही प्यारे प्यारे सारे के सारे ठेकेदार जितने भी हैं, सारे के सारे ठेकेदार मेरे मित्रगण स्टेज पर पहुंचे। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां देता हूं आप लोगों से, ताली से स्वागत करें कलाकार का। साधु भाई 500 रुपए से मान और सम्मान करते बार बार धन्यवाद। और 500 रुपए से कुलदीप जी सूरतगढ़ के ठेकेदार कुलदीप शेखावत और डी ग्रुप 500 रुपए से मान और सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद। 500 रुपए विष्णु सिंह जी लिखवा से 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं। 500 रुपए सज्जन जी ठेकेदार सूरतगढ़ से जी। 500 रुपए पगड़ ठेकेदार साहब और 500 रुपए सुरेंद्र जी भड़िया जी ठेकेदार साहब और 500 रुपए राजू गुड़ा के भाई गुड़ा से विधायक जी उनके भाई जी यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार खड़े हो जाए जी राजेंद्र गुड़ा जी के भाई आए हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां चाहते हो आप लोगों से मैं। और जी हो शेखावत साहब सुल्ताना ठेकेदार साहब बहुत बहुत धन्यवाद। 2100 रुपए सुनील जी मिस्त्री सूरजगढ़ से 2100 रुपए से मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद। आइए जी क्या बना अगली बात में बोलो और 500 रुपए फिर से 1100 रुपए से देवेंद्र सिंह शेखावत लोहंद से ठेकेदार बीकानेर राजगढ़ पिलानी और सूरजगढ़ चार प्रांतों के ठेकेदार 1100 रुपए से मान और सम्मान करते बार बार धन्यवाद। और 1100 रुपए से अर्पियन ग्रुप चिड़ावा से 1100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। आइए जी क्या बात और भी 1100 रुपए से आरपीएम ग्रुप चिड़ावा से अगली बात में बताया जी क्या बताया होड़ी से
जवानी तेरे देश में खेल कूद की होरी से कर कर होरी लूट मार और जाल गुल्ली गोली से हर होली गोली से और घर घर रावणी पैदा हो गए घर घर रावणी पैदा हो गए कठिन मुश्किल और जी 1100 रुपए से हमारे अजीज मित्र 1100 रुपए से दीपू झेरली सरपंच झेरली और ठेकेदार सूरजगढ़ के जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जिन्होंने भी इस भाई का अपने भाई का मान और सम्मान किया एक बार तालियों से स्वागत जरूर करें इनका। आइए जी क्या बता अगली बात में से मान और सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद। आखिरी बात भी बता दिया भगत ने क्या पवन कुमार कह से भोले अपना त्रिशूल उठा लेने पवन कुमार कह से भोले अपना त्रिशूल उठा और अगर आखिरी बात आखिरी लाइन आप लोगों को पसंद आए तो तालियों से आशीर्वाद दे देना जी। फिर सोने की चिड़िया बन जा फिर सोने की चिड़िया बन जा भजन की दो चार लाइनें आप लोगों को समझ में आई हो आप लोगों को कान में पड़ी हो तो मेरे लिए नहीं उस लिखने वाले के लिए जोरदार तालियां चाहता हूं आप लोगों से मैं। आइए जी पागल हो जाती है कन्हैया के प्यार में क्या कहती है बात के द्वारा क्या बता साढ़े चार कहती है मीरा कन्हैया से भी है कन्हैया वो तेरे प्रेम ते है बटकने तेरे प्रेम ते है बटकने घूमने मिली कोई सौगात नहीं तेरे प्यार की पुजारन हूँ मैं तेरे प्रेम की पुजारन हूँ अगर तेरा प्यार मिल गया तो मुझे ठीक है नहीं तो अपने आप को मिट्टी में मिला दूंगी और अपने आप को तेरे हवाले कर जाऊंगी। और क्या कहती है मैं तेरी रचाई नाचो सो इस दुनिया की औकात नहीं
मैं तेरी नचाई नाचो सोने से दुनिया की औकात नहीं। अजय ये बताइए ये भजन किस किस ने सुन रखा है, एक बार हाथ उठा करके तालियां बजा करके दिखाइए। मैं तेरी नचाई उमेदी ठेकेदार साहब लिखवा से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जी क्या बताया जी पूजा के बोलो के भाई बड़े भाई रिचपाल सिंह जी, रिचपाल सिंह जी, शिषपाल सिंह जी, पेरी ठेकेदार साहब बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं। पहली बात भी मेरा कहते हैं क्या मन में न पेरा कित जाना मैं तेरी पैड़ा चालू मन में न पेरा कित जाना मैं तेरी पैड़ा तेरी हलाई आलू हो तेरे हाथ में डोर तेरी हलाई आलू मन न पेरा दिख जाना में तेरी पैड़ा चालू तेरे हाथ में डोर तेरी में तेरी हलाई मैं तो तेरी होली शामिया चाप
पहले 1100 रुपए से फिर से 500 रुपए से डी ग्रुप लेते हैं 500 रुपए और 100 रुपए से फिर से उमेश जी ठेकेदार साहब लीजवासी जी टोटल 1100 रुपए से मान और सम्मान किया और 500 रुपए से मेरे बहुत ही अजीज मित्र रविंद्र सिंह शेखावत उर्फ बन्ना जी उर्फ भोले इसकी लगाई इसमें भोले बोले अगर क्या जितना पूरा टेंट का डेकोरेट किया हुआ है जी स्टेज लगाया हुआ है शाम टेंट हाउस के ओनर रविंद्र सिंह शेखावत बिजोली से 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद अगली बार वो बजा दिया जाओ ठेकेदार साहब भी रवि भाई साहब हमारे बीच में आ चुके हैं जी बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से धन्यवाद और आखिरी बात में कहती थी ये कन्हैया तेरी चौखट पे हमर जानी तेरी चौखट पे हमर जानी तेरी चौखट पे हमर जानी रजब लियामन तेरा साथ नहीं मैं तेरी नचाई नाचो सोए से दुनिया की औकात नहीं मैं तेरी नचाई नाचो सोए से दुनिया की औकात नहीं और जी अगली बारी लेकर के आप लोगों के बीच में बहुत ही बेहतरीन कलाकार कोकिला कंठ कलाकार किसी परिचय की मोहताज नहीं है वो आइए जी बच्चे बच्चे की जुबान पर जिनका नाम है वो है दीपा चौधरी एक बार दीपा चौधरी के लिए जोरदार तालियां देते हैं आप लोगों से में Thank you.